नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आज हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भारतीय दर्शन में चर्चा करेंगे जैन दर्शन की। इसके पहले वाग दर्शन पर हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की थी। आज का विषय जैन दर्शन रहेगा, एक ऐसा दर्शन जो कि आता तो नास्तिक संप्रदायों में है, लेकिन उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है या जो उसके जो दार्शनिक हैं, वो बहुत सारे ऐसे चिंतन को अपने में समाहित करते हैं जो मुख्यतः आस्तिक संप्रदाय से जुड़े हैं। फिर भी आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने के लिए हम यहाँ पर पूरे भारतीय दर्शन को दो हिस्सों में बांट के समझते हैं। जैसा कि इसके पहले भी एक लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार से देखा था कि भारतीय दर्शन के विभिन्न आयाम क्या क्या है। भारतीय दर्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है आस्तिक, दूसरा संप्रदाय है नास्तिक। नास्तिक के अंतर्गत तीन प्रमुख संप्रदाय हैं, और सामान्य सा मैं बता दूं कि जैसे दार्शनिक संप्रदाय जो वेदों की प्रमाणिकता पर विश्वास करते हैं, परंपरा को मानते हैं, उन्हें आस्तिक संप्रदाय कहा जाता है, और ऐसे दार्शनिक संप्रदाय जो परंपरा से अलग हटकर वेदों को प्रमाणिक रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी उन्हें नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ सामान्यतः यह आस्तिक और नास्तिक का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले, बल्कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ऐसे संप्रदाय जो वेद आदि को प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं या उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, उन्हें आस्तिक कहा गया। और ऐसे संप्रदाय जो वेद आदि परंपराओं को न स्वीकार करते हुए अपने मौलिक विचार दे रहे हैं, उन्हें नास्तिक संप्रदाय कहा गया। और नास्तिक संप्रदाय में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत या मुख्यतः तीन दर्शन आते हैं, चरवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। आज हम लोग जैन दर्शन पर बातचीत कर रहा है। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने चरवाक दर्शन पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आ रहे हैं जैन दर्शन पर। जैन धर्म के बारे में हम सब परिचित ही हैं, बहुत सारे आप विद्यार्थी भी जैन धर्म को मानने वाले होंगे। यहाँ पर हम उसके दार्शनिक पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। जैन दर्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह एक समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाता है, बहुतत्ववादी है। जैन दर्शन एक तरह से बौद्धों की तरह मध्यम मार्ग की चर्चा तो नहीं करता है, लेकिन दो अतिवादी मान्यताओं के बीच से अलग जाकर वो एक समन्वयवादी दृष्टि का विकास करता है। अब इसका जो पूरा चिंतन है, जैसे कि जिस तरह की एक सामान्य सा सिद्धांत है दर्शन शास्त्र में या जीवन में, कि जिस तरह की वस्तुओं पर आप विश्वास करोगे उस तरह के आपकी ज्ञान की संरचना बनेगी, या फिर आपके जो विचार होंगे वैसी आपको दुनिया नज़र आने लगेगी। इसलिए हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं, जो जैन दर्शन का आधार है, वो टॉपिक है अनेकांतवाद। अब इस पूरे हिस्से में देखा जाए, जैन दर्शन के अंतर्गत हमें चार मुख्य विषयों को समझना रहता है। पहला है उनका मूलभूत सिद्धांत अनेकांतवाद, दूसरा उसी अनेकांतवाद का एक हिस्सा है द्रव्य, जिस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, फिर तीसरा सिद्धांत आता है स्यादवाद, फिर अंत में हम लोग देखेंगे इसका जैन दर्शन में मोक्ष संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है। सामान्य अर्थ देखा जाए तो अनेकांतवाद और द्रव्य का सिद्धांत, इनका तत्व मीमांसी सिद्धांत है जिसमें तत्वों की चर्चा है, स्यादवाद इनका ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, और मोक्ष संबंधी अवधारणा इनकी आचार मीमांसा से जुड़ा रहा है। इस तरह हमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के अंतर्गत हम सुविधा के लिए इसको चार हिस्सों में बांटकर देख रहे हैं। पहले प्रश्न है अनेकांतवाद का,
अनेकांतवाद का ही एक छोटा सा हिस्सा द्रव्य का सिद्धांत है, जो अलग से अपने आप में परीक्षा में भी वो फुल प्रश्न के रूप में आता है। इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग अनेकांतवाद के साथ भी इसको देखेंगे और बाद में अलग से इसको द्रव्य पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं अपने पहले टॉपिक अनेकांतवाद पर। अनेकांतवाद, जैसा कि ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अनेकांतवाद, अनेक अंत के साथ, और इनकी जो बेस लाइन है, जैसे भारतीय परंपरा में क्या है, कुछ सूत्र में चलती है चीज़ें। जैसे चरवाक की बेस लाइन अगर मैं मानूं तो बेस लाइन है कि इस प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसके बाद जितनी भी व्याख्याएं हो रही हैं वो उसी आधार पर होंगी। उसी तरह जैन दर्शन में है अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। तो ये इसकी पूरी तरह से बेस लाइन है, अनंत धर्मकम वस्तु। संसार में एक तो अनंत वस्तु हैं, अनंत वस्तु होने के साथ साथ क्या है, हर वस्तु के अनंत गुण हैं। इसे ही अनेकांतवाद के रूप में आगे व्याख्या किया गया है। जिस समय जैन दर्शन अपनी बात कह रहे थे, उस समय दो विचारधाराएं बहुत प्रभावशाली तौर पे थी, या फिर दो मान्यताएं चल रही थी। एक मान्यता थी शाश्वतवादी, जो कि मानते हैं कि हर सत्ता हमेशा भगवान है, हमेशा बनी रहती है, विद्यमान रहती है, शाश्वतवाद या नित्यवाद। और दूसरा कह रहे थे कि जो सत्ता है वह शाश्वत नहीं होती है, बल्कि वह नष्ट या नश्वर हो जाती है। तो दो धाराएं, एक शाश्वत, एक बार सत्ता उत्पन्न होने के बाद फिर नष्ट होने के बाद उत्पन्न नहीं हो रही है, और दूसरा शाश्वतवाद को मानने वाला था। या दूसरा तरीका ये भी था कि मुख्यतः इसके दो डायरेक्शन थे, एक जो उपनिषदों की परंपरा थी वो शाश्वतवादी थी, और जो परिवर्तनशील, जो शाश्वत को नहीं मान रहे थे वो परिवर्तनशीलता को मान रहे थे, वो परंपरा बौद्धों की विशेष तौर से थी। तो ये दो धाराएं अलग अलग चल रही थी, एक शाश्वतवाद थी और एक थी परिवर्तनशीलता को मान रही थी। जैनियों का पहला योगदान ये है कि दो अलग अलग धाराओं में कब में समन्वय करते हैं, और समन्वय करके वह अपना सिद्धांत अनेकांतवाद प्रस्तुत करते हैं, जो कि मुख्यतः सापेक्षवाद भी कहा जाता है, बहुतत्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस पूरे सिद्धांत का जो मूल आधार है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं, संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। अब देखिए ये बेसलाइन बन गई। क्या बेसलाइन बन गई? संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं, और यही अनंत धर्मकम वस्तु से ही अब इनका अनेकांतवाद आगे बढ़ा। इसका अर्थ क्या है कि अब कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस वस्तु में एक विशेष गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के अनंत गुण हो सकते हैं। हम इसको समझने के लिए समाज को भी देख सकते हैं। व्यक्ति एक होता है लेकिन वह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का पिता है, कोई किसी की बहन है, मौसी है, माँ है। तो वस्तु एक ही है लेकिन हमेशा उसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। इसलिए हमारी जो सीमा रेखा क्या है, संसार में अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण है। इसलिए जब भी हम जानेंगे, तो सामान्य मनुष्य किसी भी चीज को जानेगा तो सापेक्षिक रूप से ही जान सकता है। जब भी हम जानेंगे तो सापेक्षिक रूप से जानेंगे। इसलिए हमारा जो भी ज्ञान होगा वो समस्त ज्ञान सापेक्षिक हो जाएगा। इस तरह ये पूरे जो चार पंक्तियां हैं, ये दैव जैन दर्शन का एक तरह से सारांश हो जाती हैं। ये दोनों जो पहली की लाइनें हैं, ये इसके तत्व को सिद्ध कर रही हैं। तो तत्व मीमांसा में आ गया, ये इसके ज्ञान की व्याख्या कर रही हैं,
इसलिए ज्ञान मीमांसा में आ गया, और सिद्धांत के तौर पर इसको हम लोग अनेकांतवाद के तौर पर पढ़ते हैं, और ज्ञान मीमांसा सिद्धांत को हम लोग स्यादवाद के रूप में देखते हैं। तो इस तरह सबका सिद्धांत और मूल सिद्धांत इनका क्या आ गया कि संसार में अनंत वस्तुएं, अनंत गुण है। अब अगला चरण इनका आता है, अगला चरण ये आता है कि यदि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत गुण हैं, तो गुणों की कैटेगरी क्या होगी। गुण दो तरीके के होंगे, एक गुण होगा नित्य और एक गुण होगा अनित्य। तो सत्ता किसकी है, सत किसको कहेंगे, अगर इसको हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग देखें सत के सिद्धांत के तौर पर, तो मुख्यतः दो कैटेगरी बांटे हम लोग, अनंत गुण है, अनंत गुण में कुछ गुण नित्य होंगे, कुछ गुण अनित्य होंगे। अब एक नई चीज हो जैन दर्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भारतीय परंपरा में। अभी तक ये माना जा रहा था, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मूल गुण जो है वो नित्य है, उसे की माना जाएगा। जैसे जो वेद उपनिषद परंपरा, उसमें आत्मा नित्य है, इसलिए मूल तत्वात्मा को मान लिया गया, और फिर शरीर जो है वो नश्वर है, नष्ट होता है, तो उसको मूल तत्व नहीं माना गया। बौद्ध परिवर्तनशीलता को मान रहे थे, अब इन्होंने सत को परिभाषित किया कि जो सत का सिद्धांत दिया कि सत क्या है, जिसमें नित्य और अनित्य दोनों गुण पाए जाते हैं, वही सत्य माना गया है। नित्य और अनित्य गुण दोनों होने चाहिए, अगर एक भी कोई गुण है तो उसको सत नहीं माना जाएगा। और एक कदम आगे बढ़ के वो कहते हैं, संसार में जितने भी तत्व हैं उनमें कोई भी एक गुण नहीं हो सकता, कुछ गुण नित्य होंगे, कुछ गुण अनित्य होंगे। इसलिए आधार पर वो द्रव्य को जो परिभाषित करते हैं वो यही करते हैं कि उत्पाद, व्यय, धौव्यम, संयुक्त सत। अब देखिए, अब ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्या कहा, उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय होना, बने रहना, अगर इस चीजें साथ में जुड़ रही हैं जो, तभी जाके ये संयुक्त सत्य होगा। उत्पाद व्यय धौव्यम संयुक्त सत्य, और इसी को उन्होंने सत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सत ना तो परिवर्तनशीलता है, सत ना तो शाश्वतता है, सत क्या है, मुख्यतः उत्पाद व्यय धौव्यम संयुक्त सत्य। और जैनियों की इस व्याख्या को देखा जाए कि संसार में जितनी सत्ताएं हैं वह उत्पन्न हो रही हैं, ह्रास हो रहा है और बनी भी हुई हैं। जैसे हम लोग पानी को लें, पानी का जो मूल तत्व ही है, नित्य तत्व पानी बना हुआ है, कभी बर्फ के रूप में है, कभी वाष्प के रूप में है। हमारा शरीर देख लें, हमारे में आत्मा नित्य तत्व के तौर पर मौजूद है, लेकिन उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है और धौव्यम बना हुआ है। इस आधार पर जैनियों की सत की परिभाषा आती, सत वह है जिसमें नित्य अनित्य दोनों गुण पाए जाते हों, और डिटेल में जाते हैं उत्पाद व्यय धौव्यम। सत उत्पाद और व्यय जो है वह परिवर्तनशीलता को बता रहा है, और धौव्यम बता रहा है उसकी स्थिरता या शाश्वतता, और इसी के आधार पर वह द्रव्य को परिभाषित करते हैं। पूरे जैन दर्शन को समझने के लिए एक उदाहरण आपको हमेशा दिखाई देगा, कहीं भी आप जाएंगे, जैन चाहे प्रवचन हो रहा हो या फिर हम किसी क्लास में जाएंगे, तो जैनियों के दृष्टिकोण को समझने का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है हाथी और पांच ऐसे लोग कहानी जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। हमने सुना होगा कि एक हाथी है, हाथी के जो चार लोग ऐसे हैं जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सब अपने अपने हिसाब से हाथी के पास जाते हैं। एक हाथी का पैर छूता है तो कहता है उसे ये खंबा है, दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ छूता है वो कहता है ये झाड़ू है, तीसरा जो है वो कान छूता है कहता है ये सूप है। इस तरह जितने भी हैं छह ऐसे लोग जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो अलग अलग स्पर्श करके तत्व की अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन मूलतः अगले दृश्य में क्या होता है, जब आंखों की पट्टी खोली जाती है तो देखते हैं कि अरे हम तो जिसको सत्य मान रहे थे वो तो एक हमारा विशेष दृष्टिकोण था। हाथी में अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों में हमारी जो सीमित बुद्धि है, हमारी जो सीमा रेखा है, हम सीमित चीज़ों से
चीज़ों को अनुभव करते हैं। हम इसलिए कोई भी ज्ञान हमें सीमित रूप में सापेक्षिक रूप से ही है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि ये खम्बा है तो इसका मतलब है वो सापेक्षिक रूप से हाथी के पैर को देख रहा है। कोई कह रहा है कान चूंकि सूप है तो वो अनंत का हाथी के अनंत गुणों में से एक गुण को ही जान पा रहा है। इसलिए हाथी की कथा का संक्षेप में उदाहरण दिया जाता है ताकि उसे और स्पष्ट किया जा सके। तो हाथी की कथा एक तरह से बेस माना जाता है कि जैन दर्शन को समझने का, कि जिस तरह एक हाथी में अनंत गुण होते हैं, हम जो सामान्य व्यक्ति है एक विशेष दृष्टिकोण से ही उसे जानता है और अपने ही गुण को, अपने ही जो सापेक्षिक दृष्टिकोण है उसे उसे अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरा ज्ञान सापेक्ष होता है। इस डिटेल में हम लोग जब स्यादवाद देखेंगे, उनका ज्ञान मीमांसा देखेंगे तो उसकी जरूरत होती है। परीक्षा में अनेकांतवाद को यहाँ सिद्ध करने के बाद हमें आगे तत्व की चर्चा करनी होती है। अब इन्होंने जो परिभाषा दिया है, उत्पाद व धौव्यम संयुक्त सत, ये किसमें पाया जाता है या जिसमें पाए जाते हैं ये पूरी चीजें, वो है द्रव्य। ये द्रव्य को परिभाषित करते हैं और कहते हैं उत्पाद व धौव्यम संयुक्त सत। ये सत किस कौन है? द्रव्य है। इस तरह इनकी तत्वमीमांसा में द्रव्य की व्याख्या आ जाती है। द्रव्य मुख्यतः इन्होंने दो हिस्सों में बांटे हैं, आस्तिकाय और नास्तिकाय। द्रव्य के तौर पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसको साधारण सा, इन्होंने जो अपनी रूपरेखा बनाई है, जिस परिभाषा को वो लेके चले हैं उस परिभाषा को उन्होंने छोड़ा नहीं है, बेस वही है। संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं और ये अनंत गुण जिसमें पाए जाते हैं वही द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य वही जिसमें नित्य और नित्य दोनों गुण होते हैं। ऐसे द्रव्यों का जो वर्गीकरण इन्होंने किया, दो हिस्सों में किया इन्होंने, आस्तिकाय नास्तिकाय। आस्तिकाय शब्द से एकदम स्पष्ट है, आस्तिकाय का मतलब जो स्थान घेरे, नास्तिकाय का मतलब जो स्थान न घेरे। तो काल को इन्होंने नास्तिकाय में रखा है, कालास, और आस्तिकाय में जीव अजीव ये दो तत्व हैं। जीव की भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जिसके त्रस और स्थावर और आजीव में चार तत्वों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत पुद्गल भौतिक तत्व, फिर आकाश और धर्म अधर्म। जब परीक्षा में अनेकांतवाद पूछा जाता है तो हमें बहुत विस्तार से द्रव्यों की चर्चा नहीं करनी होती है, संक्षेप में द्रव्यों का उल्लेख करके हमें ये दिखाना होता है कि किस तरह अनेकांतवाद दो अतिवादी मान्यताओं का समन्वय कर रहा है। लेकिन यहाँ संक्षेप में एक फिगर बना के हमें समझना होता है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है सत्य की वो द्रव्य आती है और ये द्रव्य की स्पष्ट रूपरेखा बनी। क्योंकि द्रव्य अलग से भी परीक्षा में सवाल बनते हैं, द्रव्य को अलग से विस्तार में समझना होता है। तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हम लोग द्रव्य पर अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ विस्तार से द्रव्य नहीं जा रहे हैं, उसके लिए अलग से इसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें हम लोग द्रव्य को समझ सकेंगे। इस तरह अब जैन दर्शन सत सिद्धांत से द्रव्य पर आते हैं और द्रव्य की वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। अब अनेकांतवाद का जो मूल उद्देश्य था, जो मूल उद्देश्य यही है कि वह संसार में बहुत तत्ववाद की स्थापना करना, कि संसार में
आनंद तत्व हैं, और साथ में ये भी स्थापित करना कि जो लोग अपने ही मत को अंतिम सत्य मानकर झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं, अतिवादी हो जाते हैं, उनका खंडन करना या फिर उनके परिमार्जन करके ये बताना कि जो भी मत है जिस पर आप अड़े हुए हो, हट कर रहे हो, वह मत मूलतः एक विशेष दृष्टिकोण से ही सत होता है। इसके लिए वह एक मिट्टी के घड़े का उदाहरण लेकर अपनी बात को वह स्पष्ट करते हैं। जैसे इनका जो समन्वय है, समन्वय दो दृष्टिकोण से चलता है। पहला, ये जो मत कहता है कि हर सत्ता शाश्वत है। दूसरा मत कहता है कि हर सत्ता परिवर्तनशील है। प्रतिनिधि दार्शन के तौर पे हम लोग ये मान सकते हैं, जो उपनिषद वेद आदि में शाश्वतता को महत्व दिया गया है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्मा को शाश्वत माना गया है। परिवर्तनशीलता को बौद्धों ने विशेष तौर से जोर दिया है कि प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, तो उन्होंने अनित्यवाद, क्षणिक प्रतिसमुत्पाद, इसके होने से यह होता है, उसके बाद सिद्धांत क्षणिकवाद, अनित्यवाद, ये मुख्यतः प्रतिनिधि के तौर पर बौद्ध दर्शन में माना जाता है। लेकिन देखा जाए तो दो धाराएं अलग अलग हैं। एक मानता है कि जो भी सत्ता है वह शाश्वत है, ठीक, शाश्वतता को महत्व दे रहा है। दूसरा तत्व मान रहा है बौद्ध दर्शन जैसे दार्शनिक संप्रदाय, जो परिवर्तनशीलता को महत्व दे रहे हैं। अगर हम लोग घड़े का उदाहरण लिया जाए, ठीक, तो ये कहेंगे घड़े का जो मूल तत्व तो मिट्टी है, मृत्तिका। मृत्तिका मूल तत्व तो है, क्योंकि मिट्टी हमेशा है। जब उसको गीला किया गया तो वो मिट्टी थी, जब उसको उसको गूथा गया तब भी मिट्टी थी, जब वो घड़े के तौर पर आया तब भी मिट्टी थी, जब आप उसके अंदर पानी पी रहे तब भी मिट्टी थी, टूट गया तो भी मिट्टी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो शाश्वतवादी हैं वह तत्व मिट्टी को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक। इससे मूल तत्व क्या हो गया, मिट्टी हो गया। अब जो लेकिन जो परिवर्तनशीलता को मान रहे हैं, उनका कहना है कि क्या ऐसा संभव है कि कच्चे घड़े में पानी पिया जा सके, तो मूल तत्व मिट्टी नहीं है बल्कि उसके परिवर्तनशील धर्म है। जो परिवर्तनशील गुण है वह उसके मुख्य चीज है। तो ये मिट्टी में घड़े मिट्टी के बजाय इससे मुख्य क्या है, उसका रंग, उसका आकार जो लगातार बदल रहा है, यह मूल तत्व है। एक तरफ शाश्वतवादी मिट्टी को मूल तत्व मान रहे हैं, दूसरी तरफ परिवर्तनवादी हैं वो रंग और आकार को मूल तत्व मान रहे हैं, और जैनी कह रहे हैं दोनों ही मत अपूर्ण हैं। हाँ, ये इनका सत्य है कि मिट्टी हर क्षण मौजूद है, चाहे गीली मिट्टी हो, चाहे वो जब उसे पकाया जा रहा हो तब भी वो मौजूद है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसका रंग आकार, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मिट्टी का मानने या मिट्टी का मूल तत्व माना जाए ये सत्य है, लेकिन उसके परिवर्तन रंग और आकार की अवहेलना आप नहीं कर सकते, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, वरना वह मिट्टी और घड़े में फर्क क्या रह जाएगा, कुल्लड़ और घड़े में फर्क क्या रह जाएगा। हम इसमें पानी पी सकते हैं पके हुए घड़े में, लेकिन कच्चे घड़े में पी नहीं सकते, इसलिए इनका मत अपूर्ण है। इसी तरह इनका ये सत्य मान रहे हैं परिवर्तनशील चीज को, लेकिन जो हमेशा मौजूद है, जो शाश्वत है मिट्टी, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो। मिट्टी तो हर क्षण है, मिट्टी उसमें भी है, जब गीली थी तब भी मिट्टी थी। हाँ, ये अलग बात है कि पके हुए घड़े में ही पानी पी सकते हो, लेकिन शाश्वतवादी ये कहते को स्वीकार करना पड़ेगा, बिना मिट्टी के परिवर्तनशीलता नहीं आ रही है। जैनी कहते हैं इनका दोष ये है कि अपने मत को अंतिम सत्य मान रहे हैं, उसी तरह जैसे कि हाथी का पैर छूके कोई कहे मेरा ही मत सही है, मैं ही सही हूँ, तो यह मत उचित नहीं होगा। बल्कि सापेक्षिक रूप से अगर कोई ये कहे कि हाथी का पैर छूके कि भाई मेरे दृष्टिकोण से यह खंबा है,
तब उसे मान लिया जाएगा एक विशेष दृष्टिकोण से। इसलिए शाश्वतवादियों का एक विशेष दृष्टिकोण से ये मत सत्य है कि मिट्टी ही सब कुछ है। जो परिवर्तनशील मान रहे हैं, जो नश्वरता को मान रहे हैं, वो एक दृष्टिकोण से ये सत्य है, परिवर्तनशील गुण है। लेकिन सत्यता ये है, सत्य ये है कि इसमें दोनों ही जरूरत है। इसमें मिट्टी की भी जरूरत है प्लस रंग और रूप जो बदल रहा है उसकी, अर्थात नित्य और अनित्य दोनों का। इस तरह जैनी कहते हैं, समन्वय करते हैं, झगड़े को खत्म करते हैं कि एक दृष्टिकोण से ये भी सही है कि मिट्टी मूल तत्व है, दूसरे दृष्टिकोण से वो भी सही है, जो परिवर्तनशील गुण है वही सही है, लेकिन ये सब सापेक्षिक रूप से सही है। मूलतः सत्य क्या है, जब घड़े का जिक्र करें तो मिट्टी भी उसमें नित्य तत्व है और जो परिवर्तनशील धर्म है वो भी महत्वपूर्ण है। इस तरह अनेकांतवाद सिद्धांत एक समन्वय का वादी सिद्धांत के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है और यह दो अतिवादी मान्यताओं में समन्वय करके बहुतत्ववाद की स्थापना करता है। यद्यपि कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग समन्वय करते हैं, ठीक बीच का रास्ता निकालते हैं, उन्हें आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है, यद्यपि जो सापेक्षिक रूप से विनम्रता के साथ कह रहा है कि समस्त दृष्टिकोण सापेक्षिक होता है, उसके उस तर्क की बहुत अधिक आलोचना नहीं हो पाती। मुख्य आलोचना इस बात को लेकर होती है इनकी कि अगर जो जैसे द्रव्य की परिभाषा कर रहे हैं, सत की परिभाषा कर रहे हैं, नित्य और अनित्य गुणों को वो एक ही लेवल पर क्यों ला डाल रहे हैं। जो महत्व नित्य गुणों का है वही महत्व अनित्य गुणों का कैसे हो सकता है। उत्पाद व द्रव्यम ये तीनों को एक श्रेणी में ला रहे हैं जो कि समीक्षकों को मान्य नहीं है। बौद्ध दर्शन हो चाहे वेदांत दर्शन हो, वो कहता है कि भाई जो क्षमता, मतलब जो बौद्ध दर्शन को मानने वाले हैं वो कहते हैं परिवर्तनशीलता ही सब कुछ है, और जो वेदांत को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, शाश्वतता सब कुछ है। इसलिए इन पे मुख्य आरोप ये लगता है कि नित्य और अनित्य गुणों को एक ही स्तर पर लाना ठीक बात नहीं है। नित्य गुण का विशेष महत्व होता है, परिवर्तनशील गुणों को उसी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। यद्यपि वो गुण और पर्याय शब्दावली का भी इस्तेमाल करते हैं कि गुण वो हैं जो लगातार एक किसी द्रव्य में, वस्तु में बने रहते हैं, पर्याय वो हैं जो लगातार परिवर्तनशील परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका यह सिद्धांत आलोचना से नहीं बच सका है। साथ ही इसमें समस्या ये भी आती है कि अनेकांतवाद सापेक्ष सत्य को स्थापित करता है। अगर आप कह रहे हैं कि एक वस्तु को हम एक विशेष दृष्टिकोण से ही जान सकते हैं, अनंत गुणों को उसमें है, उसे कैसे जान सकते हैं, तो एक तरह से ये सत्यता को जटिल बना देता है। जटिल क्यों बना देता है, इसका अर्थ है कि जब भी हम प्रयास करेंगे तो वास्तव में वस्तु के वास्तविक स्वरूप क्या है उसको हम नहीं बता पाएंगे। तो इसमें इस आरोप ये भी लगता है, आक्षेप ये भी लगता है जैन के अनेकांतवाद पर, इस सत्यता को अत्यधिक जटिल बना देते हैं। और इसी तरह ये कहा जाता है कि ये समन्वय का जो प्रयास है वह सफल नहीं रहा है अनेकांतवाद के आधार पर। फिर भी निष्कर्ष के तौर पर हम लोग अनेकांतवाद को पढ़ते समय ये कह सकते हैं कि ये जो इनका समन्वय का प्रयास है इसने दूरगामी प्रभाव दिखाया है भारतीय दर्शन में। यहाँ तक कि जब हम भ्रम का सिद्धांत पढ़ते हैं तब भी जैन दर्शन की समन्वयवादी दृष्टिकोण आता है, हम जब प्रमाण्यवाद पढ़ेंगे तो प्रमाण्यवाद में भी जैन का समन्वयवादी दृष्टिकोण आता है, जिसमें दो अलग अलग धाराओं को अलग अलग अतिवादी मान्यताओं का समन्वय करके यह स अस्तित्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसी सिद्धांत है जो आगे चलकर एक समन्वयवादी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होता है, और यही जैन दर्शन के अन्य सिद्धांतों का आधार है जिसको कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो इस पढ़ते समय जो द्रव्य का सिद्धांत था, जो इनके तत्वात्विक पक्ष का हिस्सा है, तत्वमीमांसा का हिस्सा है, उस द्रव्य सिद्धांत को अगले लेक्चर में हम लोग विस्तार से समझेंगे। है वो अनेकांतवाद का हिस्सा,
परीक्षण अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर द्रव्य अलग से पूछा जा रहा है तो द्रव्य की अलग से व्याख्या करेंगे, अनेकांतवाद पूछा जा रहा है तो द्रव्य पर बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, बस उसका उल्लेख करके मुख्य मुद्दा उसमें आएगा, सत का सिद्धांत बताइए, द्रव्य की प्रकार बताइए और अंत में वो किस तरह समन्वय कर रहे हैं यह बताते हुए, समीक्षा करते हुए निष्कर्ष पर आना चाहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम अनेकांतवाद के एक छोटे से हिस्से द्रव्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।